हेलो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्या मेरी आवाज क्लियर है सभी को एक बार की कर दीजिए मेरी आवाज़ क्लियर है सभी को आप चैट में भी बता सकते हैं या फिर अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप लोग कंफर्म कर सकते हैं ओके okay. कंफर्मेशन मिल गया है ठीक है सो लेटेस्ट नाउ स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट करंट मैगजीन डिसम्बर 2022 तो इन द लास्ट सेशन वी हैव सीन द पार्ट अप टू द सिक्योरिटी ओके जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्ट इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकोनॉमिक्स ये तीन पार्ट कवर किए थे आज हम सिक्योरिटी से आगे वाला पार्ट डिस्कस करते हैं ठीक है अब यहां पर देखो एक चीज समझ लो ये जो सिक्योरिटी वाला पार्ट रहता है ना इसमें प्रिलियम्स परस्पेक्टिव से उतनी ऐसे कम चीजें रहती है पर यहां पर जो लोकेशन दिए जाते हैं ना खासतौर पे ये इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी में तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं मतलब मैपिंग परस्पेक्टिव से इट इज इंपॉर्टेंट तो दिस आर्टिकल इज अबाउट 4.1 एंटी मेरी टाइम पायरसी बिल ओके पायरेसी पायरेसीनो uh, जब समुद्र में जहाज शिप्स वगैरह जाते हैं तो उनको लूटा जाता है कई जगहों पर तो उसको पायरेसी कहते हैं तो इसके जो पायरेसी के हॉटस्पॉट हैं ये डायग्राम अगर आप देख लिए तो समझ में आएगा फॉर एग्जाम्पल ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है अगेन अभी मैपिंग परस्पेक्टिव से लोकेशन इंपॉर्टेंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर देखो थर्टी परसेंट ऑफ द पायरेसी यहां पर होती है अभी ये रीजन इंपॉर्टेंट है Uh, यहाँ पर की कंट्रीज हमको पता रहना चाहिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे uh, इसका आई थिंक न्यूमोनिक ये है एस डबल ई डी सिड एस फॉर सोमालिया ई फॉर इरेट्रिया देन एक डी से अपना क्या आएगा दिजीबुती एंड ई फॉर इथियोपिया ये चार कंट्रीज हैं जो यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं ओके okay. पर आई थिंक इथियोपिया की को कोस्टल बॉर्डर नहीं है मतलब इथियोपिया वहाँ पे वो रेड सी को वगैरह टच नहीं करता है ठीक है तो ये सीड जो कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसको एक बार मैप में अच्छे से देख लो देन जो दूसरा और एक हॉटस्पॉट है वो गल्फ ऑफ गिनी है जिसको हम इक्वेटोरियल गिनी वगैरह जो जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी पायरेसी के अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं तो अराउंड फोर्टी ऑफ द अटैक ये यहाँ पर होते हैं गल्फ ऑफ गिनी तो यहाँ से इक्वेटर जाता है नज़दीक से ठीक है ये रीजन भी इंपॉर्टेंट है और जो थर्ड रीजन है इट इज़ स्टेट ऑफ मलक्का जो कि इंडिया से करीब है इंडिया का बहुत सारा ट्रेड भी यहाँ से होता है एंड इट इज वन ऑफ द चौक पॉइंट इन द वर्ल्ड चौक पॉइंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटा सा नैरो स्ट्रेट है और यहाँ से बहुत सारे शिप्स वगैरह जाते हैं स्टेट ऑफ मलक्का अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है स्टेट ऑफ मलक्का इज इन बिटवीन सिंगापुर एंड इंडोनेशिया एक स्टेटमेंट ये है और दूसरा स्टेटमेंट स्टेट ऑफ मलक्का इज लोकेटेड बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया अब ये दोनों में से कौन सा सही है या दोनों भी सही है क्या कहते हो आप लोग ओके इस पर थोड़ा सा ब्रेन स्टोर्मिंग करो ठीक है तो यहां पर एक बात ध्यान में रखना स्टेट मतलब कोई एक पॉइंट नहीं रहता है स्टे मतलब एक बड़ा स्ट्रेच रहता है ठीक है तो अगर आप देखोगे वहां पर जैसा स्टेट ऑफ मलक्का है तो ऊपर के पार्ट में Uh, मतलब एक तो है मलेशिया मलेशिया ऐसा ऊपर आएगा और नीचे है सिंगापुर और फिर नीचे यहां पर इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं ठीक है थीके? और इन दोनों के बीच में से ये स्टेट ऑफ मलक्का है तो याद रखो स्टेट ऑफ मलक्का सिंगापुर और इंडोनेशिया बोल दिए तो वो भी सही होता और मलेशिया इंडोनेशिया अगर बोल देते हैं तो वो भी सही है ठीक है इट इज नॉट अ पॉइंट ये एक स्ट्रेच रहता है इसी तरीके से अब आपका आपके लिए होमवर्क देता हूं कि मतलब जो गल्फ ऑफ ये अपना ओमन है वो किन कंट्री के बीच से जाती है गल्फ ऑफ ओमन ठीक है तो वहां के कंट्रीज निकालना इसी तरीके से जो जिब्राल्टर है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर तो कौन से कंट्रीज के बीच में है तो देखो आपको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स मिलेंगे वहां पर ठीक है तो ये चीजें ध्यान में रखो देने बिल वगैरह लाया गया है तो इसके बारे में इसका स्टैटिक पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लोकेशन इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस कर लिया इसके बाद फोर पॉइंट टू बारे में स्मगलिंग और काउंटर फिटिंग स्मगलिंग हमको पता है मतलब क्या कहते हैं वो कस्टम आ, को कस्टम ड्यूटी वगैरह एक्केप करने के लिए चोरी छुपे माल आ, कंट्री में लाया जाता था ये नाइनटीन एटीज वो जब दाउद इब्राहिम का पीरियड था वो टाइम में बहुत चला करता था वो टाइम अपना जो इंडिया जो था वो क्या था उतना ओपन नहीं हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी टाइप में था हमारा तो इसलिए इंडिया में अगर कोई बाहर का पहले चीज़ें इंपोर्ट पहले ही कम की जाती थी अगर को कोई चीज़ इंपोर्ट आती थी तो उस पर बहुत सारे टैक्सेस लगते थे तो ये लोग क्या करते थे स्मगलिंग करते थे गोल्ड की वॉचेस की और जो महंगे आइटम्स रहते तो उनकी और यहाँ पर लाकर उसको बेच देते थे, थे। गवर्नमेंट जो रेट रहेंगे मार्केट पर उससे कम में तो उसके ज़रिए मुनाफा कमाते थे लेकिन बाद में 1991 में हमारे पास एलपीजी रिफॉर्म्स हैं उसके बाद क्या हो गया ग्रेजुअली जो कस्टम ड्यूटी वगैरह है कॉर्पोरेट टैक्स इनको कम किया गया और उनके प्राइस भी क्या हुए इंटरनेशनल मार्केट में जो है वही प्राइस हमारे पास भी मिलने लगा फिर अब उनको मार्जिन नहीं रहा का तो स्मगलिंग भी कम हो गई हमारे पास से ओके और काउंटर मतलब कोई डुप्लीकेट चीज बनाना वो ऐसा लगे कि वो जेन्युन प्रोडक्ट है करेंसी नोट्स का फिटिंग वगैरह होती है ठीक है तो ये चीजें यहां पर दी हुई थी ठीक है तो यहाँ पर भी उतना कुछ खास नहीं है ये दो टर्म्स थे डिस्कस करने लाइक अब जो फोर पॉइंट थ्री है इट इज अबाउट लोन ओल्फ अटैक ओके लोन ओल्फ अटैक इसमें क्या होता है देखो ये मतलब इमर्जिंग चैलेंज टू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इसमें होता है कि मतलब कोई एक पर्सन है एक्स वाई जेड तो वो क्या करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम टेरर ऑर्गेनाइजेशन रेडिकल आउटफिट वो आ जाता है और वो टेरर आउटफिट कोई बाहर के कंट्री से भी रह सकती है और थ्रू ऑनलाइन वगैरह वो कांटेक्ट में आता है उसका ब्रेन वॉशिंग किया जाता है और वो क्या करता है अकेले ही एक अटैक कैरी करता है तो उसमें मतलब इसमें क्या है आ, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ऐसे अटैकर्स क्योंकि यहां पर कोई टीम नहीं रहती है कुछ ऑर्गेनाइज मिल प्लानिंग नहीं करते हैं ये जो लोन ऑन अटैक करे अपना खुद का दिमाग लगाता लगाकर अटैक कर कुछ साल पहले फ्रांस के नीस नाम का एक शहर था वहां पर एक इंसिडेंस हुई थी आदमी ने क्या किया माल से भरा हुआ ट्रक वो मार्केट में लेकर गया और कई सारे लोगों को कुचल दिया हंड्रेड अराउंड हंड्रेड लोग मारे गए थे इसी तरीके से न्यूजीलैंड में एक अटैक हुआ था क्राइस्ट चर्च अटैक जिसको कहते एक गनमैन गया और उसने मॉक्स में जाके फायरिंग की इसी तरीके से श्रीलंका में ईस्टर अटैक हुए थे एक मतलब एक फैमिली के दो तीन लोग थे उन्होंने जाके चर्चेस में वगैरह जाके अटैक किया तो इसको क्या कहते लोन ओल्फ टेररिज्म तो इससे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है यहां पर आपको पहचानना भी मुश्किल जाता है कोई ट्रेल भी नहीं रहता तो ये चीजें थी लेकिन आप बार बार सुनते हैं वो भी यही है लोन ऑल्फ अटैक ये अब देखो आगे जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 4.4.1 अग्नि फाइव इसके ऊपर है अग्नि फाइव ये हमारा इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल है मिसाइल दो टाइप के रहते हैं एक रहता है बैलिस्टिक और दूसरा रहता है क्रूज मिसाइल ठीक है 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 पे लिख रहा दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा हमको पता रहना चाहिए आपका तो इसमें इसमें से देखो ये ये जो बैलिस्टिक रहता रहता में क्या है? ये फायर रहता है। इसमें मतलब एक बार फायर करके छोड़ देते हैं उसकी एक रेंज रहती है जैसा वन थाउजेंड किलोमीटर टू थाउजेंड और उतना डिस जा, डिस्टेंस जाने के बाद वो नीचे गिर जाता है ओके और जो क्रूज मिसाइल रहती है इसकी भी एक रेंज रहती है लेकिन इसमें क्या आपको टारगेट का लोकेशन आप सेट कर सकते हैं और वो बराबर वही टारगेट पे जाकर गिरेगा ठीक है ऐसा नहीं कि मतलब वो डिस्टेंस के बाद 1000 किलोमीटर जाने के बाद किधर भी गिर रहा है वो बराबर वो टारगेट जहां पे आपने उसको सेट किया है वहां पर जा, जाएगा तो मतलब ये पूरी तरीके से गाइडेड रहता है क्रूज जो मिसाइल रहता है पूरी तरीके से गाइडेड रहता है याद रखना ठीक है जो अग्नि है अग्नि इज अ बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि ठीक है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है और अग्नि में देखो अग्नि वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे पांच हमारे पास हैं तो इस सिंपल है अग्नि का याद रखना सिंपल है कि उनकी रेंज कितनी है अग्नि वन टू थ्री फोर फाइव और रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो देखो वन की रेंज है वन थाउजेंड किलोमीटर टू की रेंज है टू थाउजेंड किलोमीटर थ्री की रेंज है थ्री थाउजेंड फोर की रेंज है फोर थाउजेंड फाइव की रेंज है फाइव थाउजेंड सिंपल ओके और ये फाइव वाला जो अग्निफाई इसको इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल भी कहते हैं क्योंकि ये कॉन्टिनेंट भी पार कर सकता है पाँच हज़ार किलोमीटर अफ्रीका तक पहुंच सकता है ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सकता है तो ये चीज़ें यहाँ पर इसके बाद जो अग्नि वाला जो मिसाइल है ये बनाया गया डी ने और ये क्या है सरफेस टू सरफेस है ये भी हमको पता रहना चाहिए जो मिसाइल्स हैं वो किस टाइप के हैं तो उसका भी मैं एक बार यहां पे शॉर्ट में बता देता हूं जैसा अगर सरफेस टू सरफेस में हमारे पास एक है अग्नि और दूसरा है पृथ्वी अग्नि पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है देन इसके बाद देखो सरफेस टू एयर रहता है तो पृथ्वी और त्रिशूल ये दो और एक एयर एयर भी रहता है अब इसका नाम मुझको याद नहीं आ रहा ए ए से नाम है दो बार ए आता है उसमें उसके नाम में तो ये आप लोग थोड़ा सा सर्च करके देखो एयर टू एयर मिसाइल भी है हमारे पास ओके तो ये दोनों याद रहेगा क्योंकि इसमें सेंटेंस को तो खेल सकता है वो बोलेगा अग्नि इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल वैसा नहीं है सरफेस टू सरफेस मतलब सरफेस से लॉन्च करेंगे और जो टारगेट रहेगा वो भी सरफेस पर ही रहेगा ऐसा उसका मीनिंग होता है ठीक है Uh, तो इस इनके लिए एक प्रोग्राम चलाई थी गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर जे अब्दुल कलाम ओके तो ये इसका हिस्ट्री था ये चीजें हमको पता रहना चाहिए इसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा और एक मिसाइल का जिक्र है ब्रह्मोस ब्रह्मोस देखो इंडिया का मोस्ट पावरफुल मिसाइल है और ये क्रूज मिसाइल है क्रूज मतलब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी तो ये क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस ब्रह्मोस ये इंडिया और रशिया दोनों और इसका जो नाम रखा हुआ है ब्रह्मोस तो ब्र... से मॉस्कोवा रिवर ये रशिया की रिवर तो दोनों के रिवर के नाम पे इसका नाम दिया गया इसकी रेंज देखो कितनी है इसकी रेंज कम रहती है क्योंकि इसके लिए अभी उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ टू किलोमीटर इसकी रेंज है लेकिन इंडिया इसकी रेंज बढ़ा रहा है पहले देखो इंडिया है अब ये ग्रुपिंग का मेंबर है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम अगर आप इसके मेंबर हैं तो फिर आप आपके क्रूज मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ा सकते हैं तो इंडिया को इसकी मेंबरशिप मिल गई है और इंडिया अब इसके क्या कर रहा है रेंज बढ़ा रहा है तो उसके ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं ये इंडिया ने एक कंट्री को बेचा भी था पिछले साल ब्रह्मोस शायद वो फिलीपींस थी कंट्री ठीक है वो कंट्री का नाम आपको सर्च करके लिख देना है ठीक है इसके बाद देखो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हर मैगजीन में आते हैं तो उसमें एक आधा जो अगर कोई टिपिकल दिख रहा है तो उतना ही हमको पता रहना चाहिए जैसा यहाँ पर सूर्य किरण नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है और ये किसके बीच में है जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में है ओके तो ये चीजें थी अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंट वाला सेक्शन हमारा सिक्योरिटी में उससे ज्यादा टॉपिक नहीं रहते ओके हम आते हैं इन्वायरमेंट वाले पार्ट पे सी ओ पी फिफ्टीन कॉफ फिफ्टीन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसके ऊपर ये है ये, ये आर्टिकल आया है ठीक है अब यहाँ पर देखो हमको क्या चीज़ें पता रहने चाहिए जैसा फॉर एग्जाम्पल ये सी ओ पी फिफ्टीन है ऐसा यू एन एफ सी सी के भी सी ओ पी रहते हैं ये है यू एन सी बी डी का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका है तो एक चीज़ ये गई फिर यू एन जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये कब आया ये चीज़ें हमको पता रहना चाहिए हमको पता है रियो अर्थ समिट 1992 में हुई थी और यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे जैसा उसमें से एक एग्जाम्पल है यू एन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज नाइनटीन में आया था इसी तरीके से एजेंडा ट्वेंटी वन ये भी कब आया था 1992 नाइन्टी टू समिट में आया था ओके okay. फिर इसी तरीके से जो इवन सी है ये भी जो फ्रेमवर्क है ये 1992 में आता है और इसके ये सिग्नेचर स्टार्ट होती है और 1993 में इसका इंप्लीमेंटेशन होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है नाम से आप डिकोड कर सकते हो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पेशीज एनिमल स्पेशीज बर्ड स्पेशज इनको कंजर्व करना इसका मेन टारगेट है दूसरा टारगेट क्या है सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इनके जो डाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उसका क्या होना चाहिए सस्टेनेबल यूज होना चाहिए ऐसा नहीं कि अभी पूरा एक्सप्लॉयट करके खत्म कर दे रहे और जो तीसरा चीज है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सिस जैसा क्या होता है बहुत सारे हर्ब्स रहते, uh, रहते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के प्लांट्स रहते हैं उसका नॉलेज क्या रहता है ट्राइबल्स को रहता है फिर वो फार्मेसी वाली कंपनी जाके वहां पर क्या करते हैं रिसर्च करते हैं उससे मेडिसिन बनाते उसका पूरा प्रॉफिट खुद से खुद ले लेते तो ऐसा नहीं होना चाहिए सबको इक्विटेबल बेनिफिट मिलना चाहिए वो जो डाइवर्सिटी का तो उसके लिए ये वाला एग्रीमेंट है ठीक है अब देखो ये जो इवेंट सेबीडी था इसके अंदर दो प्रोटोकॉल याद रखना एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी ये आया था टू में और दूसरा नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ये आता है 2010 में तो ये दो प्रोटोकॉल्स हमको पता रहना चाहिए इसी तरीके से और क्या हुआ था ये जो नागोया प्रोटोकॉल ये जब मीटिंग हो रही थी नागोया सिटी है जापान में तब कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं जैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं इसी तरीके से यहां पर बायोडाइवर्सिटी के लिए आईची बायोडावर्सिटी टारगेट ये सेट किए गए ये करीब ट्वेंटी टारगेट्स थे और इसको ट्वेंटी ट्वेंटी तक अचीव करना था ठीक है अब इस पर सारे कंट्री ने मतलब इसको एक्सेप्ट वगैरह किया और 2020 आ भी गया अब उसकी डेडलाइन खत्म हो गई अब क्या करना है अब नए टारगेट अपनाना पड़ेगा ना, ना? क्योंकि अब इसका तो एक्सपायरी हो गया आज डी टारगेट का तो फिर ये जो सी ओ पी फिफ्टीन थी इसमें इस, इस चीज पर डिस्कशन हुआ अब अगले टारगेट क्या रहने चाहिए तो यहां पर नए टारगेट सेट किए जाते हैं जिसको कहते हैं कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ओके अब ये रिप्लेस करेंगे आईची बायोडावर्सिटी टारगेट को ये मॉन्ट्रियल इसलिए क्योंकि सीओपी जो 15 है उसके दो मीटिंग हुए हैं एक कुमिंग चाइना में हुआ और दूसरा मॉन्ट्रियल कैनेडा में हुआ कल मैंने इसका नाम लिया था मॉन्ट्रियल यहां पर सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है तो अभी ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया इसमें कितने हैं

ये चीजें रहती है जनरली पूरे इंक्लूसिव माइंडसेट से बनाए जाते हैं टारगेट्स वगैरह कुछ इश्यूज भी हैं जैसा ये जो यू एन का एग्रीमेंट है इसमें यूएसए मेंबर नहीं है ये एक चीज है फिर और एक टर्म आई है ग्रीन वाशिंग शायद इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी में ग्रीन वाशिंग क्या रहती है ग्रीन वाशिंग मतलब इसमें क्या हो रहा है बहुत सारे कंपनीज वगैरह हैं या फिर कंट्रीज हैं वो क्या बोल रहे हैं हमको फंडिंग दो हम क्या करेंगे इसको ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे में। लेकिन बस नाम के लिए ऐसा बोल रहे हैं और एक्चुअल में मत... दूसरे कामों में लगा दे रहे हैं पैसा तो उसको कहते हैं तो ऐसे जो टर्म्स रहते हैं टिपिकल उनका मीनिंग हमको पता रहना चाहिए ठीक है ओके okay. अब आगे बढ़ते हैं हमने ग्रीन वाशिंग देख लिया इन देख लिया ये यूएन सीबीडी का था बात देखो वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप तो ये एक प्रोग्राम है तो हुआ क्या देखो यूएन डिके डाउन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर्ड फर्स्ट टेन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप एट द साइडलाइंस ऑफ सीओपी 15 सीबीडी वो सीबीडी जो वाला जो आर्टिकल है उसका ये है कुछ तो यहाँ पर देखो ये वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप ये कुछ प्रोग्राम है यूएन का और इसमें यूएन क्या करता है कुछ साइट सेलेक्ट करता है उनको फंडिंग वगैरह देता है तो ऐसे कुछ दस साइट सेलेक्ट किए गए हैं अब इसमें देखो कि इंडिया का कोई साइट है क्या तो देखने पे ये मिलेगा इंडिया का एक है नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है जो गंगा रिवर को क्लीनिंग के लिए किया गया है वो इसमें सेलेक्ट किया है बस इतना हमको पता रहना चाहिए वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम में हमारा नमामि गंगा प्रोजेक्ट है बस देन अगला जो आर्टिकल है रिस्टोरेशन बैरो तो ये याद रखो ये पब्लिश करता है आई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये जो रेड डाटा बुक पब्लिश करता है ना वही है तो इतना याद रखो रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट ये, ये पब्लिश करता है बस यही चीज थी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ स्पेशीज का नाम आए जैसा डोगांग ये काफी फेमस स्पेशज है इसको सीकाओ भी कहते हैं ओके Uh, कुछ फ्लैगशिप स्पेशज हैं जिनका हमको आयु स्टेटस पता रहना चाहिए जैसे डोगोंग है इसको इसका स्टेटस है वेबल मुझको कोई सेशन के बाद टेक्स्ट कर देना एक पेज है उसके पर मैंने फ्लैगशिप लिखा हूँ और उसका स्टेटस लिखा हूँ वो मैं भेज दूंगा ठीक है इसके बाद देखो ये आयु जो है ना ये रेड लिस्ट पब्लिश करता है यहाँ पर दिए हुए हैं इनके नाम हमको पता रहना चाहिए तो देखो जैसा सबसे पहले आता है एक्सटेंट एक्सटेंट में दो हैं एक्सटेंट एक है और एक्सटेंट इन वाइल्ड है एक्सटेंट मतलब टोटली खत्म हो गई स्पीशीज जैसा पिंक हेडेड डक डोडो बर्ड खत्म हो गए देन एक रहता है एक्सटेंट इन वाइल्ड मतलब इनके अब वाइल्ड पॉपुलेशन कोई नहीं है अगर कुछ गिने चुने हैं वो जू में या फिर लैब में वगैरह आपको मिलेंगे उसको कहते हैं एक्सटेंट इन वाइल्ड देन थ्रेटन वाले कैटेगरी में तीन रहते हैं एक वलनरेबल। तो ये बेस्ड ऑन रिस्क उनको क्लासिफाई किया जाता है क्रिटिकली जैसा हमारा चित्ता है, वो क्या है क्रिटिकली है। तो इसका मैं आपको भेज दूंगा बाद में टाइगर वगैरह इंडेंजर्ड में आते हैं वल्नरेबल राइनो वगैरह वलनरेबल में आते हैं नियर थ्रेटर्न कंसर्न और डाटा डिफिशियंट कैटेगरीज के नाम और कुछ फ्लैगशिप और उनके स्पेशन स्टेटस इस पर चांस रहता क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया गवर्नमेंट सोलर एनर्जी को बहुत ही प्रमोट कर रहा है क्योंकि ये क्या है रिन्यूएबल भी है और फॉसिल फ्यूल हम बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं एनर्जी के लिए तो तो उसका बर्डन भी हमारे ऊपर कम हो जाएगा तो इंडिया ने कुछ टारगेट रखे हैं जैसा एक टारगेट है हमारा 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022 वो हमारा टारगेट है ठीक है और ये 175 गीगावाट में 100 गीगावाट हम क्या करने वाले हैं सोलर एनर्जी से मतलब तैयार करने वाले हैं 100 गीगा उसमें से जो 60 रहेंगे 60 सोलर पैनल से वगैरह हम बनाएंगे और जो 40 गीगावाट रहेंगे वो रूफ टॉप रूफ टॉप मतलब घरों के बिल्डिंग्स के छत के ऊपर प्लांट्स लगाएंगे और बाकी का सिक्सटीट वो ग्राउंड्स पर रहेंगे ये चीजें हैं ये पूरा यहाँ पर मैप वगैरह दिया है हर स्टेट का कितना पोटेंशियल वगैरह है वो सब दिया है अब आपके लिए होमवर्क है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सोलार एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो देख लेना इसी तरीके से अभी रिसेंट में इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है तो वो उसका नाम क्या है और कौन से स्टेट में है ठीक है ये चीज भी आप लोग देख लो Then, इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ इनिशिएटिव्स के नाम दिए हैं जो इंडिया चला रहा है वर्ल्ड लेवल पे जैसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको लॉन्च किया गया 2015 में जब पेरिस मीटिंग हुई थी सीओपी 21 वन इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेवल पे और आई का ही प्रोजेक्ट है वंस वन ग्रिड इसमें क्या है जैसा सोलर एनर्जी के कॉन्टेक्ट में इश्यू ये आता है कि सन तो दिन में इलेक्ट्रिसिटी तो लाओगे लेकिन अगर का, अगर हम मतलब सोचते हैं वर्ल्ड के बारे में तो हर वक्त सन ना कोई पार्ट में मौजूद है तो अगर हम पूरे वर्ल्ड को एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं सब जगह सोलर प्लांट्स बिठाते हैं और आपस में शेयरिंग करते हैं तो हमको का इलेक्ट्रिसिटी का तो इसके पीछे का आइडिया है इंडिया डोमेस्टिक लेवल पे प्रोजेक्ट चला रहा है पीएम कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसका एम क्या है किसान को क्या करेंगे सोलर पंप देंगे और वो पंप का यूज वो मतलब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए वगैरह करेंगे जिससे एनर्जी सेविंग होगा ओके तो ये चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट देन एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट उतना कुछ खास है नहीं इसको स्किप कर सकते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जब ऐसे नए टर्म्स आते हैं तो तो उनके मीनिंग एक बार देख लेना ये तो ये हुआ क्या है ये कुछ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसको कार्बन बॉर्डर टैक्स भी कहते हैं तो इंडिया ये ईयू लेकर आ रहा है और इंडिया ने इसको क्या किया अपोज किया है अब इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कार्बन बॉर्डर टैक्स पीछे तो ये ईयू कंट्रीज ये कहते हैं कि मतलब जैसा EU क्या है पोल्यूशन कंट्रोल के नाम स्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ है ना तो उनको एकदम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है क्लीन टेक्नोलॉजी इसलिए वहां पर क्या है मैन्युफेक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है अब कंट्री जैसा इंडिया है चाइना है यहाँ पर इन्वामेंटल नॉर्म्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है कम टेक्नोलॉजी पे भी आप प्रोडक्शन कर सकते हो और तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम रही है तो इससे क्या हो रहा है कि जो बाहर से जो माल आ रहा है ई में वो सस्ता है और वो जो डोमेस्टिकली जो बना रहे हैं तो वो महंगा है क्योंकि उनको वहां पे क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज करना मतलब कर रहे हैं वो लोग तो फिर अब एक लेवल प्लेइंग प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ईओ का ऐसा प्लान है कि मतलब जो बाहर से जो वो हम मटेरियल मंगा रहे हैं अर्बन बॉर्डर टैक्स लगा ताकि फिर इनके भी कॉस्ट बढ़े जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो लोगों को भी मतलब एक थोड़ा उनको भी मार्केट वैल्यू मिलेगा ठीक है तो इसके पीछे का मेकेनिज्म था पर इससे इंडिया को चाइना को लॉस होगा तो इंडिया ने इसको क्या किया अपोज किया है ठीक है आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं ये कार्बन बॉर्डर टैक्स वगैरह ये तो देख लिया हमने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कूलिंग सेक्टर बस यहां पर एक कूलिंग सेक्टर ये टर्म पता रहना चाहिए इसका मीनिंग हमको कूलिंग सेक्टर क्या रहता है जो जो हम चीजें यूज करते हैं कूलिंग के लिए जैसा गर्मियों के दिनों में हम क्या यूज करते हैं ए सी का यूज करते हैं कूलर का यूज करते हैं ओके तो इन सारी चीजों शुमार क्या क्या होता है कूलिंग सेक्टर अभी कूलिंग सेक्टर में क्या है एनर्जी कंजप्शन बहुत होता है तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मतलब इसमें किस तरीके से कूलिंग नीड जो है उसको मिनिमाइज किया जाए ओके तो कूलिंग एक्शन प्लान वगैरह इंडिया ने बनाया है 2019 में इसको लेकर आए थे कूलिंग एक्शन प्लान इंडिया फर्स्ट कंट्री अनाउंस सच प्लान ओके तो ये चीजें हैं इसके टारगेट्स वगैरह यहाँ पर दिए हैं तो उतना कुछ खास है नहीं फाइव में देखो तो ये वाटर पोल्यूशन के ऊपर आर्टिकल आया है ठीक है रिवर के जो स्ट्रेटेज स्ट्रेचेस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी तो ये 2022 का रिपोर्ट है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसने पब्लिश किया अब यहां है अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है सीपीसीबी का बेसिक वाला पार्ट। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको कौन से एक्ट में बनाया गया ये हमेशा पूछा जाता है तो इसको बनाया गया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन ये याद रखना हमें नीचे एक ऑप्शन लेंगा वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन आप देख कर लगेगा कि सीपीसीबी तो वो ईपीए में रहना चाहिए पर वैसा नहीं है ये अंडर वाटर एक्ट बनाया गया है और इसको जो पावर मिला है वो पावर मिला अंडर एयर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एक्ट नाइनटीन एटी वन ये दोनों एक्ट इंपॉर्टेंट है किसके अंदर बनाया गया और पावर किसके अंदर मिला और इसकी मिनिस्ट्री तो पता रही थी हमको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये चीजें यहां पर याद रखो तो दूसरी यहां पर एक टर्म है जिसको हम बीओडी कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है तो इसमें क्या होता है देखो थोड़ा सा आप ध्यान दो यहां पर बीओडी सीओडी क्या रहता है और डिजोल्ड ऑक्सीजन तो सबसे पहले हम ये देखते हैं डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या रहता है डिजोल्व ऑक्सीजन ठीक है तो इसका मतलब ये होता है जो पानी में जो अवेलेबल ऑक्सीजन है डिजोल्ड कंडीशन में उसको कहते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन जो प्योर वाटर रहता है ना उसमें डिजॉल ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा रहती है जहां पे डिजॉल ऑक्सीजन ज्यादा रहता है वहां पे मरीन लाइफ भी क्या करती है सरवाइव करती है ठीक है फ्लरिश होती है जहां पे डिजॉल ऑक्सीजन कम होता है तो वहां पे क्या होगा ऑक्सीजन कम होगा और मरीन स्पेशज की डेथ हो जाएंगी ऐसे जो कंडीशन है उसको क्या कहते हैं हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं याद रखो तो ये हमने ये देखा फिर उसके बाद जो दूसरा जो था BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो आप देखो कोई लेक है हमारा लेक के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए जो ऑर्गेनिक मैटर मतलब फॉर एग्जाम्पल फूड वेस्ट है तो वो उसको डिग्रेड करते हैं बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन चाहिए ना तो वो कितना ऑक्सीजन चाहिए उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और तीसरा रहता है केमिकल ऑक्सीजन इसका मतलब क्या ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब मिनरल्स मेटल्स वगैरह तो इन डिग्रेड करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए तो उसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन अगर फॉर एग्जांपल वाटर बॉडी पोल्यूट हो जाती है उसमें क्या ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाता है वेस्ट डिस्पोज किया जाता है तो उसमें क्या है तब उसको डिग्रेड करने के लिए भी ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा फिर अब पूरा ऑक्सीजन बैक्टीरियाज खा जाएंगे दूसरे जो फिशेस वगैरह इनको ऑक्सीजन कम मिलेगा तो इससे क्या होता है मरीन जो स्पेशज है उनकी डेथ हो जाती है ठीक है तो अब यहां पर एक चीज़ याद रखना बीओडी अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो बीओडी और सीओडी दोनों भी बढ़ेंगे ओके मतलब डिमांड बढ़ेंगी बीओडी ओडी डी एक्चुअल में डिमांड है तो ऑक्सीजन वो बढ़ेगा और डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम होगा क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है ऑक्सीजन का ठीक है पोल्यूशन बढ़ेगा बीओडी भी बढ़ेगा सीओडी भी बढ़ेगा और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगा ठीक है अब एक बार वो फिर से पढ़ लो जो चीज़ें मैंने लिखी है ओके okay. अब आगे बढ़ते हैं फिर से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी सीओडी हमने देख लिया अब इसके बाद देखो ये आर्टिक रीजन न्यूज में है अब आर्टिक रीजन वगैरह ऐसा न्यूज में है तो उसका मैप फटक से देख लेने का तो वहां पे देखो आर्टिक रीजन मतलब अपना नॉर्थ पोल जो है उसके आसपास के रीजन को आर्टिक रीजन कहते हैं तो यहाँ पर कौन से कौन से कंट्रीज हैं तो कैनेडा है रशिया है नॉर्वे फिनलैंड वगैरह आइसलैंड ग्री, ग्री, ग्रीन ग्रीन ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का कॉलोनी है तो ये हमको पता रहना चाहिए इसी तरीके से ये जो आर्टिक रीजन है यहाँ पर इसको रेगु ये जो रीजन में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस वगैरह है तो यहाँ पर ये यह सारा रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है उसका नाम है आर्टिक आर्टिक काउंसिल काउंसिल में देखो आठ मेंबर्स हैं वो आठ मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी पूछे गए इसका निमोनिक है कर, कर्ड कर्ड फिन्स ओके निमोनिक याद रखना कर्ड अब सी से क्या कौन सा कंट्री आएगा कनाडा कनाडा ई e से यू से यूएसए क्या यूके यूके नीचे है कनाडा यूएसए आर से रशिया डी से डेनमार्क एफ से फिनलैंड आई आए से आइसलैंड से, से स्वीडन तो ये कंट्रीज इसके मेंबर हैं और इंडिया एस वेल चाइना दोनों भी क्या ऑब्जर्वर स्टेटस है दोनों को मेंबर नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस है ठीक है ये चीज है इसी तरीके से इंडिया ने अपनी आर्टिक पॉलिसी भी ले आया शायद पिछले साल ही ओके तो ये चीजें हमको पता रहना चाहिए इसके बाद ठीक है ग्राउंड वाटर का उतना खास नहीं अब ये राइट टू रिपेयर पोर्टल ये वाला भी इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने ये राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है अब इसका पर्पस पर्पस इसका ये ही कि जो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसको बढ़ाया जाए और रीयूज़ को रीयूज़ को प्रमोट किया जाए ठीक है अब इसको मतलब यहाँ पर होता क्या राइट टू रिपेयर में जनरली अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये जैसा हमारे पास आ, मेरे पास सपोज मारुति सुजुकी की डिजायर गाड़ी है ठीक है अगर इसमें कुछ खराबी होती है ना तो जनरली मुझको मतलब वो जो कंपनी का शोरूम रहता है वहां पर जाना पड़ता है उसको रिपेयर करवाने ठीक है क्योंकि उसके जो पार्ट्स वगैरह हैं तो वो बाहर के मार्केट में कभी अवेलेबल रहते हैं कभी नहीं रहते ठीक है तो राइट टू तो रिपेयर में क्या होगा वो जो कंपनी है वो अपने जो रिपेयर्स वगैरह जो करना है वो तो उसके बारे में अवेयरनेस चलाएगा कंज्यूमर को भी उसके बारे में अवेयर करेगा जो दूसरे रिपेयर वाले हैं उनको भी अवेयर करेगा उनके पास भी वो टेक्नोलॉजी देगा रिपेयर कराने की तो इससे क्या होगा प्रोडक्ट आपका रिपेयर होगा सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं ये हो सकता है मोबाइल के लिए या दूसरी जो भी मशीनरी है तो इसमें इसका जो रिपेयर वगैरह करने का करने का तरीका है उसके बारे में क्या होगा कंपनी सिर्फ अपने कस्टमर केयर तक महदूद नहीं रखेगा मतलब उसके जो शोरूम तक लिमिटेड नहीं रखेगा दूसरे जो इंडिपेंडेंट रिपेयर मैन है वगैरह उनको भी ट्रेनिंग देगा तो इसको कहते हैं इसलिए ये राइट टू रिपेयर ये पोर्टल बनाया गया है ओके okay, ये इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी यूरोप में यूके में यूएसए में ठीक है ये हमको पता रहना चाहिए अब आगे यहां पर यह प्रोजेक्ट कार्ड के बारे में डिस्कशन है कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट तो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है तो पे है देखो ये महादाई रिवर एक गोवा की फेमस रिवर है पनजी सिटी है ना इट इज लोकेटेड ऑन महादाई महादाई रिवर इसको ये कहते हैं ओके गोवा से जाती है तो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं कलसा और बंदूरी ये दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं और यहां से कैनल निकालकर उसका वाटर सप्लाई कर रहे हैं मलप्रभा रिवर को ओके तो कोई बता सकता है मुझको मलप्रभा रिवर कौन से स्टेट में है और वो किसकी ट्रिब्यूटरी है ओके okay. तो याद रखो ये जो मलप्रभा रिवर है इसका मैं मैप दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा मलप्रभा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ठीक है यहाँ पर हाँ कहाँ पर है मलप्रभा ये वाली रिवर आपकी ये मलप्रभा रिवर है ठीक है और ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा uh, रिवर की ये कृष्णा ये बड़ी वाली जो रिवर है न, ये ना ये कृष्णा है ये वाली रिवर आपकी कृष्णा रिवर है और कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है मलप्रभा मलप्रभा घटप्रभा ये सारी इसके कृष्णा के ट्रिब्यूटरी और ये जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ठीक है यहाँ पर देखो ये आपकी महादेवी रिवर है ये गो, गोवा से होती है ये मतलब आगे जाएंगे ऐसा और ये कलसा रिवर है और ये भदूरी रिवर है और यहाँ से एक कैनल बना रहे यहाँ से भी एक कैनल बना रहे और ये वाटर जाएगा मल्लप्रभा को फिर ये मलप्रभा आगे आगे जाके मिलेंगे कृष्णा को ठीक है तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट है तो यहां तक हमने देख लिए, अभी इस तरीके से ये इन ओके हाँ तो हम अब डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज अभी सोशल इश्यूज में देखो सिक्स पॉइंट वन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाला आ, आ, यहां पे दिया गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अब इसका मीनिंग पहले पता रहना चाहिए इस आर्टिकल को समझने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसा हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जैसा स्कूल ये चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हम स्कूल वगैरह बनाते हैं वुमन के लिए उनके जो फैसिलिटी सेंटर्स वगैरह हैं तो वो या फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं तो वैसे सेंटर रूरल डेवलपमेंट रोड्स वगैरह बना रहे हैं पंचायत राज पंचायत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना रहे हैं एजुकेशन हाउसिंग तो ये सारी के सारे क्या है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसको प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट एक्सपेडाइट करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसके लिए गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम है पीएम गतिशक्ति है तो ये क्या है नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मतलब ये टर्म का भी मीनिंग पता रहना चाहिए तो मल्टी मॉडल मतलब रेल रोड वाटर प्लस एयर ये सारे एक साथ इंटीग्रेटेड रहेंगे तो उसको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है और इसके लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इस बहुत सारे जितने मिनिस्ट्रीज हैं सबको एक जगह इनके एफर्ट्स को कन्वर्ज करेगा और इसके जरिए क्या हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में बन रहा है उसको एक्सपर्टाइड किया जाएगा फास्ट किया जाएगा पीएम शक्ति योजना लाई गई है ठीक तो ये हमको यहां पर पता रहना चाहिए अब आगे आते हैं सिक्स पॉइंट टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो में आ रहा है आवास मतलब घर बनाना है तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है जैसा प्रधानमंत्री आवास योजना तो इसमें दो है एक अर्बन है रूलर है तो जो आपकी अर्बन वाली है उसकी मिनिस्ट्री क्या आएंगी अर्बन वाली प्रधानमंत्री ये तो ग्रामीण है और पी एम ए वाई एक अर्बन रहेंगे तो ये अर्बन वाली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में आएगा और जो रूरल वाला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आएंगे ठीक है तो ये दोनों याद रखो देन इसके अंदर बेनिफिट कितना मिल रहा है अगर प्लेन एरिया में घर बनाना है तो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज मिलेंगे और अगर हिली एरिया में घर बना रहे हो तो वन लैख थर्टी थाउजेंड साथ में और दूसरे भी बेनिफिट है जैसा फॉर एग्जांपल अगर टॉयलेट अगर बना रहे हो तो आपको ट्वेल्व थाउजेंड अलग से रुपया मिलेगा अठारह हजार रुपया ये कुछ मनरेगा वेजेस कुछ ऐसा है तो टोटल वन लैक फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आपको मिल जाएंगे प्लेन एरिया में ये याद रखो प्रधानमंत्री आवास योजना फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में हमको पता लेना चाहिए आगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इसके बारे में डिस्कशन है ओके okay, तो देखो गवर्नमेंट ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च किया है प्रधानमंत्री गंगा गरीब कैन अन्न योजना तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था ये याद रखो वो यूपीए गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम थी ओके okay, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था uh, 2013 में ओके okay, अब यहां पर स्कीम में क्या होता था मेनली uh, देखो uh, जो पुअर हैं अर्बन पुअर रूरल पुअर इनको सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स मिला करते थे तो इसमें कैटेगरीज थे जैसा फॉर एग्जांपल uh, एक था प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं इसको uh, फिर दूसरा था आपका अंतोदय अन्न योजना और तीसरा था नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड ओके ये कैटेगरीज है तीन कैटेगरीज अंतोदय अन्न योजना तो इसमें क्या होता था आपको पर फैमिली थर्टी के जी थर्टी के जी फूड ग्रेन मिला करता था ओके पर फैमिली थर्टी के जी पर मंथ जो पी एच एच है प्रायोरिटी हाउस होल्ड को फाइव के जी पर्सन है या ये फाइव के जी पर पर्सन ये याद रखना और अंत्योदय अन्न योजना में थर्टी के जी पर फैमिली और जो एन पी एच एच है इसमें आपको फाइव के जी मिलेगा पर पर्सन अब डिफरेंस क्या था ऊपर के जो दो कैटेगरीज हैं इनको जो मिलता था फूड उसका रेट था वन रुपी टू रुपी थ्री रुपी कोर्स सीरियल्स एक रुपए से व्हीट दो रूपये पर केजी और राइस थ्री रुपीज पर केजी और जो नीचे वाला जो था एनपीएचएच इनको कुछ ऐसा बारह तेरह चौदह ऐसा ऐसा कुछ रेट था ये इतना मेरे कोई एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ऐसा कुछ ये रेंज में इनको मिलेगा ये एन पी एच मतलब जिनको हम पहले अबव पावर्टी लाइन कहते थे ना वो थे और पी एच मतलब जो पहले के मतलब बी पी एल लोग थे वो इसमें थे और अंतोदय मतलब जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो रहते हैं वो तो ऐसे कैटेगरीज थे तो फिर अब गवर्नमेंट ने क्या किया ये नई स्कीम लाई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अब इसमें क्या होगा इसमें ये दो कैटेगरी कवर किए हैं ये गरीब कल्याण अन्न योजना में कौन से दो कैटेगरी ए वाई और पीएचएच और इनको क्या मिलेगा ये वाले फूड ग्रेन ए वाई को पहले तीस मिलता था पैंतीस मिलेगा पीएचएच को पांच ही मिलेगा पर पर्सन लेकिन ये दोनों को भी मतलब अब कितने पैसे देना है जीरो रुपीज मतलब पहले एक दो तीन रुपया वो देना पड़ता था लेकिन अब उनको मिलेगा पूरा फ्री मिलेगा इवन दे डू नॉट हैव टू पे सब्सिडाइज प्राइस पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर में ये दोनों ऊपर के दोनों कैटेगरी के लिए लेकिन ये स्कीम अभी फिलहाल एक साल के लिए लाई गई है ओके आई होप ये आपको समझ में आऊंगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना उसके बारे में ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से जो हमारे पास पीडीएस सिस्टम चलता है ना इसके कुछ माइल स्टोन है जैसा फॉर एग्जाम्पल 1962 में रिवैम पीडीएस लॉन्च किया गया 1997 में टारगेटेड पीडीएस इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था 2000 में अंत्योदय अन्न योजना आई 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया अब आपको एक होमवर्क देता हूँ एक टर्म आपने पढ़ी होंगी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये क्या है इसको ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी मिनिस्ट्री क्या है ये आपका काम है ये आप देख के इसको अपडेट कर दो ठीक है ये हो गया ये सारी चीजें तो हमने देख ली है इसके बाद देखो हाँ ये कमेटी का नाम याद रखना जो पीडीएस सिस्टम वगैरह है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इनको रिफॉर्म करने के लिए कमेटी बिठाई गई थी ओके रिफॉर्मिंग पीडीएस तो पी डी एस कॉमा एफ सी ए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो ये कमेटी का नाम याद रखना शांता कुमार कमेटी मेज के आंसर में, में वगैरह कोर्ट करना रहता है एक इसके बाद जो अगले वाला आर्टिकल है ये आंगनवाड़ी सिस्टम के ऊपर है आंगनवाड़ी जहाँ पर जो प्री प्राइमरी लेवल के बच्चे जाते हैं थ्री टू सिक्स इयर्स के तो वहाँ पर देखो आंगनवाड़ी सेविका रहती है और जो जो है, ये जो आंगनवाड़ी जो सेविका है आंगनवाड़ी वर्कर है ये कौन से स्कीम के अंडर में बनाए जाते हैं तो अंडर आई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये टर्म याद रखो थ्री ए थ्री ए एक टर्म आती है थ्री ए नेटवर्क इंडिया का क्या है ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट नेटवर्क है तो इसमें क्या क्या आता है आंगनवाड़ी वर्कर एक दूसरा आता है आशा आशा जो हेल्थ मतलब वो कलीग हेल्थ वर्कर रहती है मल्टीपर्पज असिस्टेंट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इनको कहते हैं और एक रहता है ए एन एम आंगनवाडी नर्स मिडवाइफ ये कहते हैं तो ये जो आशा है आशा को बनाया जाता है अंडर नेशनल रूलर हेल्थ मिशन ये भी याद रखना आंगनवाड़ी वर्कर को अंडर आईसीडीएस बनाया जाता है ये तीनों बैकबोन है रूलर हेल्थ uh, के और uh, मतलब हेल्थ एजुकेशन भी बोल सकते ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ओके इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसको इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसके ऊपर कोई रिपोर्ट वगैरह आया है तो यहां पर ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया है यूएनडीपी ने किया है तो अब यूएनडीपी के बारे में बेसिक चीजें हमको पता रहना चाहिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये बनाया गया नाइनटीन में और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है दो इसके बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं दो के यहां पर नाम जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये ये भी पब्लिश करता है ग्लोबल इंडेक्स ये भी ये पब्लिश करता, करता है इसी तरीके से और एक आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जी आई जिसको कहते हैं ये भी ये पब्लिश करता है एच डी आई रिपोर्ट में कितने इंडिकेटर्स हैं इसमें याद रखना थ्री मल्टी uh, डायमें अच्छा थ्री डायमेंशन या इंडिकेटर्स बोल सकते इसको ठीक है तो यहां पर इसके तीन डायमेंशन रहते ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक तो रहता है एजुकेशन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वगैरह देखते हैं दूसरा रहता है लाइफ uh, एक्सपेक्टेंसी और तीसरा रहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तीन चीजें एच में देखी जाती है कोई भी कंट्री ठीक है आगे बढ़ते फंड निर्भया आपको पता होगा दिल्ली में गैंगरेप का जो इंसिडेंस हुआ था टू में तो उसके रिस्पॉन्स में फंड बनाया गया इसमें क्या होगा इसमें पैसा जमा करती है गवर्नमेंट और वो पैसों का यूज वुमन सेफ्टी के लिए जो भी चीजें जरूरी है किया जाता है अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि महाराष्ट्र में निर्भया फंड से बहुत सारी गाड़ियां खरीदी की गई थी फोर व्हीलर्स पेट्रोलिंग के वगैरह और उनका यूज किस लिए हो रहा था मिनिस्टर को एमएलएस को प्रोटेक्शन देने के लिए तो उस उसपे काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी तो ये चीज है तो ये जो फंड है ना ये नॉन लैपसेबल है नॉन लैप मतलब क्या रहता है अगर सपोज ये अपना फाइनेंशियल ईयर है दो हजार तो ये फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने सपोज हंड्रेड करोड़ अलॉट किए निर्भया फंड के लिए अब उसमें से इस्तेमाल हुआ फिफ्टी करोड़ और फिफ्टी करोड़ आपका अभी बाकी है तो लैप्सबल अगर फंड रहता है तो क्या होता है फिफ्टी करोड़ जो है वापस गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता और वो अगले साल फिर उसको वो मतलब बजट में आ जाता है Lapsable अगर है तो वो लैब्स नहीं होगा वो फंड वही अकाउंट में रहेगा और वो अगले साल पे फिर से आपको दूसरा नया फंड मिलेगा तो नॉन लैब्सबल का वो मीनिंग रहता है याद रखना ठीक है। ये देख लिया हमने न्यूज इन शॉर्ट कुछ आए हैं ये इंडिया इनिटी रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है डिजिटल डिवाइड के ऊपर है ऑक्सफैम ने पब्लिश किया है ऑक्सफैम हम हमेशा आंसर में लिखते हैं ना इंडिया में डिजिटल डिवाइड है वगैरह तो उसको हमको सब्सटेंशिएट भी करना रहता है तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये डाटा मेंस में आपको बहुत काम में आएगा तो इंडिया में सिक्सटी वन परसेंट मेन है मोबाइल फोन और जस्ट थर्टी वन परसेंट वुमे मोबाइल फोन तो ये जेंडर डिवाइड दिखाता है इसको क्या बोलेंगे जेंडर डिजिटल डिवाइड फिर इसी तरीके से ओनली थर्टी वन रूर पॉपुलेशन यूजेस इंटरनेट उंटर पार्ट तो ये क्या बताता है रीजनल डिवाइड ये थोड़े फैक्ट इंपोर्टेंट है रीजनल डिवाइड ठीक है ये हमने देख लिया अब आगे देखो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना आदि से ही समझ में आ रहा है ट्राइबल लोगों के लिए है तो ऐसे विलेजेस जहां पर फिफ्टी परसेंट से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है तो गवर्नमेंट क्या करने, है? करने वाली है उनको आदि आदर्श मॉडल विलेजेस बनाने वाली है ठीक है वहां पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह के अंडर में आती है, ये को। जो खास स्कीम्स है आ, ट्राइबल अफेयर्स के वो हमको पता रहना चाहिए जैसा वन धन विकास योजना है इसी तरीके से वो एक है अपनी पीवीटीजी जिनको हम बोलते हैं प्रीमेटिवल पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वो स्कीम है इसी तरीके से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना कौन से मिनिस्ट्री में आते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको कब लाया गया देन ऐसी एक स्कीम है यहाँ पर श्रेय स्कीम इसकी एक स्कीम में क्या है जो एससी स्टूडेंट है शेड्यूल कास्ट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा स्कॉलरशिप दी जाएंगे स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स ये स्कीम है नेक्स्ट वाला पॉइंट है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ये कोई नया इंडेक्स आया है यार इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इसने इसको लेकर आया है ठीक है अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो आप थोड़ा सा ही बच गया है हमारा साइंस एंड टेक फिर हिस्ट्री uh, वगैरह थोड़ा बहुत रहता है वो देख लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर आर्टिकल है फ्यूजन नाम से ही आप गेस कर सकते जब दो आइटम्स मिल जाते हैं उनको फ्यूजन कहते हैं और जब दो एटम एक एटम स्प्लिट होके दो एटम बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं फिशन कहते हैं जैसा यूरेनियम का क्या होता है फिशन होता है वो रेडियो एक्टिव है तो यूरेनियम का फीशन होगा तो उसको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं है और हाइड्रोजन में क्या होता है ये ड्यूटेरियम ट्रिटियम ये ये दोनों कंबाइन होते हैं और उससे क्या बनता है हीलियम बनता है और एनर्जी रिलीज uh, होती इसको है इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं तो देखो याद रखो न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन से ज्यादा सेफ है क्योंकि उसमें कोई रिएक्टिव पार्टिकल इमेट नहीं होते हैं ये वाला जो रिएक्शन uh, है इसमें नो no ये याद रखो लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रॉब्लम यह है कि उसको स्टार्ट करने के लिए मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है जैसा कि सन के सरफेस के ऊपर है उतना तैयार करना बहुत मुश्किल है पर कई सारे इसके लिए प्रोजेक्ट चल रहे वर्ल्ड लेवल पे न्यूक्लियर फ्यूज जैसा एक है आई टी आर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्टल रियक्टर थर्टी फाइव कंट्रीज है प्रोजेक्ट इंडिया भी इसका मेंबर है चाइना का अपना खुद का प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल सन चाइनाज आर्टिफिशियल सन इसको और एक नाम है द एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक ईस्ट नाम से जाना जाता है इंडिया भी अपना खुद का एक प्रोजेक्ट चला रहा है एस एस टू टोका मैक नाम याद रखो बस डिटेलिंग में मत जाओ ये चीजें थी ये जियो स्पेशल पॉलिसी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेस सस्टेनेबिलिटी आप बिना आर्टिकल पढ़ के भी समझ सकते इसमें क्या रहेगा स्पेस सस्टेनेबिलिटी में स्पेस का इस तरीके से यूज करो ताकि भी मतलब लोग उसका यूज कर सके तो स्पेस में हजार क्या है एक तो है वेपन्स वगैरह स्टोर किए जा रहे हैं एक तो वो फिर दूसरा बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं उनके जो डेब्रीज हैं वो क्या हो रहे हैं स्प्रेड हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है वो केजलर सिंड्रोम जिसको हम पढ़ते हैं बार बार डेबरीज एक दूसरे से टकरा के और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसे जो इश्यूज है वैसे उसको मिनिमाइज करना है तो उसी को हम क्या कहते हैं स्पेस सस्टेनेबिलिटी कहते हैं ठीक यहां पर एक और एक टर्म टमाई ग्रेवयार्ड ऑर्बिट ये ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कब्रस्तान ग्रेवैड मतलब तो उसका मतलब क्या है जब सैटेलाइट की लाइफ खत्म हो जाती है तो ऐसी गाइडलाइन है कि मतलब उस सैटेलाइट को आप क्या कर दो एक ऑर्बिट है फिक्स ऑर्बिट है वहां पर जाके आप उसको छोड़ दो ताकि उससे वो, वो ज्यादा मतलब टकराव ना हो और स्पेस डेबरिस का इशू ना हो तो उसको ग्रेवैड ऑर्बिट कहते वहां पे जो जो मिशन खत्म हो चुके हैं उनको वहां देते हैं ये कुछ वर्ल्ड लेवल पे एग्रीमेंट है स्पेस से रिलेटेड उनके बस नाम पता रहना चाहिए जैसा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसमामेंट फिर यहाँ पे नीचे पारोस नाम दिया है प्रिवेंशन ऑफ आर्म रेस इन आउटर स्पेस फिर उसके बाद एक कूपस नाम की एग्रीमेंट है इवेंट कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस वो क्या देगा शॉर्ट फॉर्म देगा कूपस इज रिलेटेड टू तो वो स्पेस से रिलेटेड है इतना बस हमको पता रहना चाहिए इंडिया भी अपना एक खुद का प्रोजेक्ट चला रहा है प्रोजेक्ट नेत्रा तो ये किसके लिए है इसरो चला रहे है। स्पेस डेब्रीज़ को कम करने के लिए स्पेस डेब्रीज़ को मॉनिटर करने के लिए ओके ये चीजें यहां पर आचार्य जगदीश चंद्र बोस जेसी बोस इनको कहा जाता है इनकी कुछ वन बर्थ एनिवर्सरी थी तो ये जगदीश चंद्र बोस बोस जनरली सरदे वेस्ट बंगाल में रहता है तो अभी ये, ये भी मतलब वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश प्रेजेंट इनका क्या रिसर्च है इनका जो रिसर्च है देखो बोले थे कि प्लांट्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स दे हैव लाइफ एंड दे फील प्लेजर एंड पेन तो ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस इनका मतलब ने सर्च करके रिसर्च करके प्रूव किया था और प्लांट के एक्शंस uh, वगैरह उसको मेजर करने के लिए इन्होंने क्रिजोग्राफ नाम का एक डिवाइस भी इन्वेंट किया था इसी तरीके से इन्होंने मिलीमीटर वेव्स भी डिस्कवर किए थे जैसा माइक्रोवेव्स रहते हैं वैसे मिलीमीटर वेव्स इनकी जो वेवलेंथ रहती मिलीमीटर में रहती है तो वो भी इन्होंने डिस्कवर किए थे इनके जो स्टूडेंट थे एक सत्येंद्र नाथ बोस एस एन बोस जिनके मतलब नाम पर बोस ऑन रखा गया वो उनके स्टूडेंट थे याद रखो हाँ आ, ये आर्टिमिज मिशन के बारे में यूएसए का प्रोजेक्ट है और इसमें क्या करने वाले मून पर आ, मतलब इंसानों को भेजा जाने वाला है ठीक है इससे पहले भी इंसान चुके, जा चुके नील आर्मस्ट्रग वगैरह लेकिन ये कब गए थे 1969 तो 1972 के बीच में पूरे के पूरे नासा के मिशन थे जितने भी मैंड मिशन हुए अभी तक के लेकिन नाइनटीन के बाद इत, आ, कोई नहीं गया फिर आ, नासा ने फिर से अब भेजना चाहता है नासा तो ये जो आर्टिमिज मिशन है इसमें बेसिकली तीन मिशन है आर्टिमिज वन टू थ्री तो ये जो वन था वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया इसमें बस कुछ मतलब टेक्नोलॉजी वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए इसको भेजा गया था फिर आर्टिमिज टू में क्या होगा यहाँ पर मैन भी जाएगा साथ में लेकिन ये बस मून को ऑर्बिट करके वापस आएंगे और जो आर्टिमिस थ्री रहेगा 2026 में यहां पर पूरे लोग भी जाएंगे और मून पर लैंड भी होंगे तो ऐसा एक प्रोजेक्ट है इसमें देखो याद रखो वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी भी जाने वाली है आर्टिमिस थ्री में एक लेडी भी रहने वाली ठीक है थीके? अब ये यूएसएसआर का मिशन था इट वॉज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लॉन्च ऑन मून लेकिन इसमें अनमैंड था ये और अपोलो 11 फर्स्ट मैन मिशन टू सक्सेसफुली लैंड ऑन मून इससे ही मतलब वो आपका नील आर्मोस्ट्रग एडविन वगैरह ये लो ये लोग गए थे ग्लास रिपोर्ट के एक रिपोर्ट एक आई है इसमें है क्या ग्लास uh, uh, ये रिपोर्ट है डब्ल्यू का ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यूज सर्विलेंस सिस्टम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपको पता होगा जब हम uh, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह बार बार खाते हैं तो जो बॉडी के अंदर की जो बैक्टीरियाज है ना वो भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और उनके बाद कुछ वक्त एंटीबायोटिक्स का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होता उसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिंग तो उसके लिए डब्ल्यू बहुत सारी स्कीम चला रहे हैं अवेयरनेस के लिए वगैरह जैसे ग्लास था और दूसरा है अवेयर दोनों भी डब्ल्यू एच के अवेयर में क्या होता है जो एंटीबायोटिक्स हैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक्सेस वॉच एंड रिजर्व और फिर वो बेसिस पे आपको मतलब प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिया जाता है जैसा रिजर्व लिस्ट है एकदम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में उसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा एक्सेस इजीली आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर जिक्र किए हुए वर्ल्ड मलेरिया डब्ल्यू एच का तो ऐसे जो आर्टिकल्स है यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मलेरिया वायरल है या बैक्टेरियल है किससे फैलता है ये हमको पता रहना चाहिए मलेलिया मलेरिया आ, देखो ये पैरासाइट से होता है और आ, ये इसका जो फैला होता है वो फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो से होता है फीमेल एनाफिलिस और जो बैक्टीरिया से पैरासाइट से होता है पी फालसी पारम ये प्ला ये और ये पी वाइवैक्स ये दो के नाम याद रखो ये इसके मेजर ये हैं कॉज फैक्टर्स हैं, ठीक है इनके जरिए से मलेरिया होता है फिर इसी तरीके से एच के बारे में भी आर्टिकल आया। अब अब नहीं चलेगा ये कैप्टन गवर्नमेंट चला रहा है टीबी को रोकने के लिए सॉरी एच को रोकने के लिए फिर टीबी के ऊपर भी आया है तो टीबी किससे होता है टीबी बैक्टीरियल डिसीज है और वो होता है माइको बैक्टेरियम ट्यूबर किलोसिस माइको ट्यूबर किलोसिस। बैक्टीरिया से टीपी होता है शी स्टेम नाम की स्कीम है यह एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इंडिया यह चला रही है इसका पर्पस क्या है वुमन का पार्टिसिपेशन प्रमोट करना है स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ये फील्ड में ओके फिर इसके बाद देखो प्रोजेक्ट वानी यह स्कीम है गूगल इंडिया की और साथ में आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये हमेशा टॉप पे रहती है देखो एन की रैंकिंग आती है तो जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग लगती है उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप पे रहती है तो ये बेंगलुरु में है तो ये दोनों मिलके प्रोजेक्ट लाए हैं इसमें क्या करने वाले हैं ये ए बेस्ड लैंग्वेज मॉडल दैट कैन अंडरस्टैंड डाइवर् जैसा वो अलेक्सा सिरी रहता है ना वैसा कुछ ये है वो इंडियन लैंग्वेजेस को भी आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है टू अफ्रीका पर्ल्स ये एक इनिशिएटिव है इससे क्या करने वाले हैं अंडर वाटर सी केबल्स डालेंगे और ये कनेक्ट करेंगे एशिया अफ्रीका यूरोप को मेनली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए ये स्कीम है अफ्रीका पर्ल्स नाम अरविंदो घोष न्यूज में एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ अरविंदो घोष ये भी ने बंगाल साइड का है तो अरविंदो घोष ये रिवॉल्यूशनरी लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट थे ल, तिलक के फॉलोअर थे ये इनका रोल रहा है अनुशीलन समिति जो थी ना बारिंद्र कुमार बनाई थी तो उसमें ये मेंबर थे और इनको जेल भी जाना पड़ा अलीपुर कंसपायर केस में नाइनटीन जीरो एट जो पर राम बोस की वो करते हैं ना अटैक तो उससे रिलेटेड एक केस था किंग्स फोर्ड को मारने की इसके बाद देखो आ, इनके बारे में कुछ जैसा ये इनको बाद में जेल वेल होती है फिर उससे छूट जाते हैं बाद में ये पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं और अपना खुद का आश्रम बनाते सर अरविंदो आश्रम और विद द हेल्प ऑफ मीरा अल्फासा ये इनकी फॉलोअर है और उसके बाद देखो मीरा अल्फासा फाउंडेड अ सिट ऑफ डॉन यूनिवर्सल टाउन फॉर पीसफुल प्रोग्रेसिव हारमोनियस एग्जिस्टेंस ऐसा कुछ मीरा अल्फासा बनाते इनका लिटरेचर इंपॉर्टेंट है अरविंदो गोसा इन्होंने किताब लिखी थी न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड और इसमें इन्होंने जो मॉडरेट्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया था याद रखिए इसके बाद जोग्राफिकल इंडिकेशन वो जो जी टैग है उसके ऊपर याद है सबसे ज्यादा जी टैग याद रखो कर्नाटका के अब सारे के सारे जी टैग हम रखने की जरूरत नहीं रहती उस साल जो न्यूज में है बहुत सारे हर साल बीस पच्चीस आते हैं तो उसमें के जो कुछ टिपिकल वगैरह थोड़ा दिखा तो उसको आप क्या कर देना थोड़ा सा देख लेने का या फिर आपने अपने स्टेट का याद रखो जैसा मैं महाराष्ट्र से हूं तो मैं अलीबाग में व्हाइल्ट ओनियन मिलते हैं तो उनको मिला अब कोई आसाम वाला रहा तो वो अपना याद रखो आसाम में गामोसा जैसे हम गमछा बोलते हैं उसको मिला है लद्दाख में एप्रिकॉट को मिला है जिसको हम जरदालू कहते हैं एप्रिकॉट ठीक है आ, ये कुछ उतना खास है नहीं रुद्रेश्वर टेम्पल न्यूज में है ये टेम्पल देखो पिछले साल भी न्यूज में था इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है रामपा टेम्पल भी इसको कहते हैं और ये टेम्पल काकतिया पीरियड में बना था थर्टीन ट्वेंटी थ्री वो टेम्पल काकतिया डायनेस्टी थी वारंगल उसकी कैपिटल थी ओके और यहाँ पे सैंड ब्रिक्स टेक्निक का यूज हुआ है ठीक है की और एक फीचर याद रखना इनके पीरियड में एक फीमेल क्वीन भी हुई थी ओके okay, उसका नाम था रुद्रम्मा देवी नाम याद रखना रुद्रम्मा देवी ज्योतिर्लिंगास एक नया टर्म दिखेंगे आपको इरा मट्टी डिब्बालू ये क्या है रेड सैंड हिल्स है विशाखापट्टनम सिटी के आउटस्कर्ट में मिलते हैं तो इसको क्या हुआ है uh, हमको पता है जो साउथ इंडिया है ना स्पेशली तेलंगाना आंध्रा कर्नाटक यहाँ पे रेड सॉइल मिलती है और रेड सॉइल्स के यहाँ पे हिल्स भी है विशाखापट्टनम में तो उसको कंजर्व करने की बात करिए उसको कहते हैं इरा मट्टी डिब्बालू नाम याद रखो बस यहां पर पानीनी का जिक्र आया है पानीनी क्या थे ये इन्होंने किताब की थी ग्रामर की संस्कृत ग्रामर उसका नाम है अष्टाध्यायी ये बुक का नाम और पानी का पीरियड सिक्स टू फिफ्थ सेंचुरी बीसी ये थे क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा देता है द दे कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन तो ऐसा नहीं था पानिनी तो फिफ्थ सेंचुरी बीसी में थे ठीक है तो ऐसा कंटेम्प्रेरी के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें सांगाई फेस्टिवल न्यूज में है सांगाई डियर है मणिपुर में मिलता है लोकतक लेक के पास और वो स्टेट है मणिपुर का याद रखो तो वहां पर वो आ, मतलब फेस्टिवल वगैरह कुछ चल रहा है ठीक है फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में चलता है नागालैंड इसके लिए फेमस है देन वीर बाल ये मनाया जाता है ट्वेंटी सिक्स को इस साल पहली बार मनाया इंपॉर्टेंट तो है ना बोस के बर्थ एनिवर्सरी यूपीएससी लेती है ठीक है अभी उसके नोटिफिकेशन ईपीएफओ एपीएफसी की बहुत अच्छी पोस्ट है आप सभी लोग उसको अप्लाई करना ऑल द ग्रेजुएट आर एलिजिबल ठीक है तो वीर बाल दिवस ये गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह साहिबजादा बाबा फत सिंह इनके याद में इनके शहादत पर ये मनाया जाता है वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह टू एट इस सिख गुरु, गुरु थे इनका बैटल हुआ था औरंगजेब के साथ इन्होंने एक बुक भी ली थी जफरनामा नामा सेवनटीन जीरो फाइव में देन यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स वो न्यूज में साहित्य अकेडमी अवार्ड्स याद रखना ये ट्वेंटी टू इंडिया प्लस टू तो ये जो प्लस टू जो थे उसमें राजस्थानी और इंग्लिश आती है इंग्लिश याद रखो इंडिया की शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है पर ये नॉर्थ ईस्ट में दो तीन स्टेट है उनकी शेड्यूल लैंग्वेज इंग्लिश है तो यहां पर जो टो, टोटल ट्वेंटी फोर लैंग्वेज को ये अवार्ड दिया जाता है साहित्य अकेडमी का ओके दूसरा और एक अवार्ड रहता है जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है नैनपीठ तो वो कितने लैंग्वेज के लिए मिलता है वो मिलता है ट्वेंटी टू प्लस वन और ये जो वन रहता है वो है आपका इंग्लिश ठीक है ये तेईस लैंग्वेज से कोई भी अगर लैंग्वेज की जो उस राइटर है उसको लाइफ टाइम वर्क के लिए मिलता है ज्ञानपीठ एक को ही दिया जाता है और साहित्य एकेडमी ट्वेंटी फोर मतलब लैंग्वेज है तो हर लैंग्वेज में से एक एक को दिया जाएगा अब एक करप्शन वगैरह इसके ऊपर है नहीं हमारे लिए बाद में देखो यहाँ पर लोकेशंस वगैरह कुछ न्यूज में है जैसा फॉर एग्जांपल लद्दाख लद्दाख पीएम एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स इन ऑन लोसर लोसर ये तिबेटियन लोग मतलब जो मेनली बुद्धिस्ट रहते हैं वो उसको फॉलो करते हैं एज ए न्यू ईयर तो लद्दाख में भी मनाया जाता है सिक्किम में भी मनाया जाता है जो बुद्धिस्ट लोग हैं उसको फॉलो करते हैं लोसर को तो पीएम ने ग्रीटिंग दी है इसी तरीके से सिक्किम में लूसुंग ये नया न्यू ईयर को कहा जाता है और पर लोग मनाते हैं हर ट्राइब का अपना अपना रहता तो लूसुंग फेस्टिवल भी याद रखना सिक्किम में मनाया जाता है ठीक है इसके बाद कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ न्यूज में थे अहिल होलकर ये थे होलकर जो घराना था अहमदाबाद में आ, तो वहां पर आ, वो मतलब सॉरी अहमदनगर को रिनेम करने की डिमांड चल रही है पुण्यश्लोक अहिला देव होलकर नगर बोल के ठीक है और ये होलकर घराने में ये क्वीन थे इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है मदन मोहन मालवीय न्यूज में थे इन्होंने हिंदू महासभा के फाउंडर थे नाइनटीन और इसी तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी के फिर फाउंडर थे में। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो देंगे 1920 में बनाई गई थी ऐसा नहीं है अब हमको लगेगा वो टाइम पे पूरा नॉन कॉप्शन वगैरह चल रहा था तब बनाए गए होंगे जामिया मिलिया वगैरह 1920 में बनाए एम यू भी नाइनटीन ट्वेंटी में बनाए एएमयू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ ए एमय यू जो कॉलेज है वो तो पहले ही बना सर सैयद खान के टाइम उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस बाद में दिया जाता है ओके इनका न्यूज पेपर भी था उसका नाम था द लीडर जी इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट ये भी न्यूज में थे इनकी कुछ बुक्स हैं सत्याग्रह इन चंपारण ये चंपारण के टाइम से गांधी जी के साथ इंडिया डिवाइडेड सर्च लाइट वगैरह ये सारे बुक्स इन्होंने लिखे हैं एस एन बोस ये फेमस साइंटिस्ट है बोस आइंसटाइन स्टैटिस्टिक्स वगैरह इनके नाम पर है देनिस्टर्स है ना उनका सीक्वेंस हमको पता रहना चाहिए ओके तो मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह पीएम बनते हैं और ये अराउंड पीरियड रहता नाइनटीन सेवनटी एट सेवनटी नाइन क्या ठीक है और ही वॉज नाइनटीन थर्टी एट फ्रीडम फाइटर भी थे थर्टी एट में इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल लाया था ए पी एम सी का बिल तब के पीरियड में इनके बर्थडे पे नेशनल फार्मर डे किसान दिवस भी मनाया जाता है कि जो पी एम है ना वो उनका अप्रोक्सीमेट टेन ईयर हमको पता रहना चाहिए और काफी सारे क्वेश्चन हल होते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का वो पार्ट है मैं बस ब्रीफली आपको रिवाइज कराता हूँ सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी तो 1947 से अराउंड 63 तक वो थे उसके बाद बनते लाल बहादुर शास्त्री वो करीब 1963 थ्री टू 66 सिक्स तक रहेंगे उसके बाद बनते इंदिरा गांधी जी वो 66 सिक्स टू रहते हैं 77 फिर 77 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है तो वो कुछ 77 78 रहते हैं फिर बाद में एक साल के लिए चौधरी चरण सिंह आते हैं फिर उसका 1980 में फिर से इंदिरा गांधी जी का पीरियड आता वो 84 तक रहते हैं एटी में उनका एसेसिनेशन होता है राजीव गांधी पी बन जाते अब राजीव गांधी पी बन गए तो वो करीब रहते हैं नाइनटीन तक और 89 में वीपी सिंह बनते हैं वीपी सिंह सिंह डेढ़ साल के लिए और उनके बाद आते हैं आ, क्या नाम है उनके बाद चौधरी चरण सिंह तो नहीं है चंद्रशेखर चंद्रशेखर नाम है वो बस कुछ महीने के लिए रहते हैं फिर उनके बाद नरसिम्हा राव नरसिम्हारसिमारा नाइन्टी वन टू नाइन कुछ रहते हैं फिर इसके बाद देखो अः शायद इंद्र कुमार गुजराल बनते है फिर देवगौड़ा बनते हैं फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बनते है दो तीन बार बनते अटल बिहारी वाजपेयी शॉर्ट टर्म के में आ, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बाद में ट में पावर में आते तो फिर वो दो तो हजार कुछ तीन या चार तक रहते हैं और फिर चार में इलेक्शन होगा मनमोहन जी आएंगे दो दो बार वही रहते हैं अराउंड टू थाउजेंड फोर्टीन तक फोर्टीन में इलेक्शन होता फिर मोदी जी आ जाते ठीक है तब से लेके अभी तक तो ये अप्रोक्सीमेट पीरियड्स हमको पता रहने चाहिए ठीक है इसके बाद एक कमला देवी चट्टोपाध्याय ये भी न्यूज में थे ये इनके बारे में याद रखना और दांडी मार्च में वगैरह मतलब इनका पार्टिसिपेशन रहा दांडी मार्च में ठीक हाँ, है मूवमेंट में थे और इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रोमोट किया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संगीत नाटक एकेडमी वगैरह ये सब के फाउंड के अलग ये भी काफी फेमस है अलग कमिटी गौर बनाया था, था 1979 में पावर्टी एस्टिमेशन के लिए उसके ये मेंबर रहते हैं ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर यह हमारा मैगजीन खत्म हो जाता है ओके तो आ, हमने इसको अच्छे तरीके से अभी देखा है इसको आप अब आप, आप लोग एक बार पढ़ लिए ना काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ठीक है तो ये चीजें मेरी तरफ से थी ओके तो आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं कल के बारे में मैं आपको ग्रुप पर अपडेट दे दूंगा ओके थैंक यू